असलकम खवातिन हजरात आज इस मौजू पर मैं गुफ्तगू करूँगा वो ह्यूमन जीन्स के हवाले से है कि ये जो बात कही जाती है कि जो इंसान के अंदर खैर है अच्छाई है वो भी उसके जीन्स में मौजूद होती है और जो शर है बुराई है वो भी उसके जीन्स में पाई जाती है यानी अगर बाप के अंदर खैर है तो औलाद के अंदर भी वो खैर वो अच्छाई वो गुड हैबिट्स वो ट्रांसफ़र होंगी और अगर वो बुराई है शर है गुनाह है तो वो ट्रांसफ़र होगा कुछ अर्सा पहले मैं अमेरिका से पाकिस्तान गया और मुख्तलिफ जगहों पर मेरे लेक्चर्स थे तो उलमा के एक सेशन में मैंने जो बड़े पाकिस्तान के जैयद मतबर ओला थे उनके सामने मैंने ये क्वेश्चन उठाया मैंने कहा कि अमेरिकन ये क्लेम कर रहे हैं कि जो क्राइम है जुर्म वो जीन्स के अंदर पाया जाता है और वो कहते हैं कि हम इस एबिलिटी को अक्वायर कर रहे हैं कि हम जीन्स को बदल देंगे जब जीन्स बदलेंगे तो जो क्राइम करने की अबिलटी है वो ख़त्म हो जाएगी तो ये चूंकि मुख्तलिफ़ हवालों से रिसर्च करते रहते हैं तो मैंने उन उलमा के सामने ये सवाल उठाया कि अगर ऐसा पॉसिबल हो जाता है तो फिर कुरान मजीद का जो बयान है और दीन का जो मुकदमा है फिलहा फू रहा व तकवा अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि हमने इस इंसान के अंदर खैर भी रखा है और इसके अंदर शर भी रखा है तो खैर व शर की दोनों सलाहियतें इसकी फितरत में जो है वो रखी हुई है ये नहीं हो सकता कि इसके अंदर एक ही सलाहियत और दूसरी ना हो वो तो फिर फरिश्तों जैसा हो जाए ना कि फरिश्तों के अंदर जो है वो गुनाह करने की सलाहियत नहीं है वो नेकी ही नेकी करते हैं या फालून मायो मरून तो उन ने जो जवाब दिए वो मेरे लिए कोई ज़्यादा जो है वो इत्मीनान बख्श नहीं थे अगरचे वो अपने अपनी अपनी फील्ड के बड़े मुस्त हैं, फिर मैं इस सवाल के जवाब में लगा रहा तो मैंने फिर जब बाबा जी इरफान साहब का इंटरव्यू किया तो उनके सामने भी मैंने ये सवाल उठाया अगर आप मेरा जो उनके साथ इंटरव्यू छः जो पार्ट्स है उसके अंदर मौजूद है हमारे चैनल के ऊपर आप सुनेंगे तो वो क्वेश्चन मौजूद होगा मैंने कहा बाबा जी ये जो क्लेम है अमेरिकन का और मिजा तौर पर यहाँ हर रोज हम देखते हैं नई से नई रिसर्च आ रही है और ये जो ह्यूमन क्लोनिंग है बेसिकली दे क्लेम एंड दे हैव स्लोगन दैट वी वांट सुपर किड्स वो कहते हैं कि हम ए, पहले तो जीएमओ से काम स्टार्ट हुआ ना जेनेटिकली मॉडिफाइड इंजीनियरिंग सब्जियों और फलों में और अब इंसानों में भी वो कहते हैं कि हम आला नस्ल के बच्चे चाहते हैं इसके ऊपर मैंने अमेरिका के स्कूल में पूरा एक लेक्चर डिलीवर किया हुआ है और मेरा इसके ऊपर एक बड़ा तो जवाब था वो बड़ा इतमान बख्श था तो मुझे ऐसे लगातार इनकु तुम ला त अगर कोई बात तुम्हें आलिमों से पता ना चले तो जाकिरों से पूछ लो अहर से पूछ लो अहले नजर से पूछ लो जिनका बातन और निगाह बिल्कुल मुसफ़ा होता है उनसे पूछ लो तो बाबा जी इरफान राक से मैंने ये बात कही तो उन फरमाया कि ऐसा मुमकन नहीं होगा उनका दावा सच्चा साबित हो लेकिन अगली बात उन्होंने बड़ी जबरदस्त की उनने कहा कि हाथ से भी जीन्स बदल जाते हैं जिक्र से भी जीन्स बदल जाते हैं यानी हम वो कहते हैं कि ये काम हम वो मिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च करके अगर उसके ऊपर करेंगे जीन्स की तब्दीली का मामला तो यही काम तो हम अल्लाह के ज़िक्र से कर रहे हैं तस्बी से कर रहे हैं आयत आयस् कुरानिया से कर रहे हैं अहदीस नबिया से कर रहे हैं अल्लाह के मुबारक असमां से कर रहे हैं और मैंने प्रैक्टिकली देखा कि वाक़ता उनकी ये बात दुरुस्त है कि ज़िक्र से तस्बी से इंसान की फ़ितरत बदल जाती है उसकी जीन्स के अंदर तब्दीली रूना हो जाती है कामल की निगाह से चोर को तब बन जाता है इकबाल भी फरमाते थे कि खैरत के पास खबर के सिवा कुछ और नहीं ये जितना भी एलम है टेक्नोलॉजी है इंफॉर्मेशन है ये सारा क्या खिरद अक़ल की करिश्मा साजगी है तो इकबाल ने कहा खैरत के पास खबर के सिवा कुछ और नहीं तेरा इलाज नज़र के सिवा कुछ और नहीं तो अपने रूहानी मसायल जिसमानी मसायल कारोबारी मसायल खानदानी मसायल अजदवाजी मसायल उनका हल सिर्फ माहरीने नफ्सियात के पास नहीं है सिर्फ कैरियर काउंसलिंग करने वालों के पास नहीं है सिर्फ मोटिवेशनल स्पीकर्स के पास नहीं है स्पिरिचुअल मेंटोर्स जो हैं वो भी इलाज करते हैं और वो इलाज एक परपिचुअल ट्रीटमेंट होता है दायमी इलाज होता है मसलन मैं एक मिसाल देता हूँ मैंने बाबा जी से पूछा कि एक आदमी है जिसकी एक बुरी आदत है छूटती नहीं है तो कैसे उसकी आदत छूटेगी वो तो एक अदीस में भी आता है कि फ़ितरत नहीं बदलती आदत नहीं बदलती पहाड़ अपनी जगह से हल जाता तो उन्हें कहा बड़ी सीधी सी बात है कि अल्लाह के कलाम की तासीर ऐसी है कि ये उसकी बुरी आदत को बदल देगी तो मैंने कहा क्या वजीफ़ा करे तो उनने बड़ी प्यारी जो है वो आयत बताई इन्नर भी रहीम जो आदमी रोज़ाना सुबह सौ मरतबा और शाम को सौ मरतबा पढ़ता है इन न रबी लग फूर ला को लंबा नहीं करना ला लम्बा करें तो नाफ़िया हो जाता है और आ, लाम उसके साथ आ, ये लाम ताक़द है जो एम्फासाइज करता है उसके अंदर कुत और जोर वज़न पैदा करता है तो इसका माना यह है कि मेरा रब बहुत ज़्यादा बख्शने वाला है बहुत ज़्यादा सबसे ज़्यादा ला पाक को जो बात पसंद है वो बख्श है अच्छा सिर्फ़ इस एक जिक्र और तस्वीर से बुरी आदत छूट जाती है इसके अलावा भी बहुत सारे वजाइफ जो है वो उन्होंने इरशाद फरमाए लेकिन ये चूँकि इसमें इजाज़त ज़रूरी होती है तो जो आदमी अपने बेटे और बेटी के लिए या अपनी ज़ात के लिए या अपने किसी दोस्त के लिए या फैमिली मेबर के लिए उसकी आदत बुरी बदलने के लिए इस वजीफे को करना चाहे तो वो इसकी इजाज़त इन बक्स में कमेंट सेक्शन में मांग सकते हैं और मैं इजाज़त में कहता हूँ कि अपना नाम पूरा बताएं और जिसके लिए ये करना है उसका नाम भी बताएं तो लोग बार बार कहते हैं इजाज़त दें फिर लेकिन वो नाम नहीं बताते नाम का बड़ा जो है वो गहरा ताल्लुक़ होता है तस्वीर और ज़िक्र के साथ तो इस वजह से करके ये तो एक मिसाल मैंने दी बहुत सारी मिसालें हैं कि जीन्स की तब्दीली जो है वो सिर्फ टेक्नोलॉजी के ज़रिए या साइंटिफिक प्रोसेस के ज़रिए या जो है वो दीगर ज़राए के ज़रिए नहीं सबसे खूबसूरत सबसे आसान सबसे नफ़ा बख्श सबसे रिवॉर्डबल जो रास्ता है वो अल्लाह के ज़िक्र का है अल्लाह की तस्बी का है अल्लाह की याद का है अल्लाह के मुबारक असमा का है लाहमा उलहसन जितने अच्छे नाम हैं वो अल्लाह रबालजत के हैं उन नामों में से हर एक नाम की अपनी एक तासीर है तो जिस तरह डॉक्टर अकॉर्डिंग टू बीमारी जो है इंसान की जो फिज़िकल उसका प्रॉब्लम है उसको अकॉर्डिंगली उसकी मेडिक सन करता है सिमिलरली जो स्परिचुअल डिजीज़ है यानी एक फिज़िकल डिजीज़ है दूसरी स्पिरिचुअल तो जो स्पिरिचुअल डिजीज़ है वो भी जो स्पिरिचुअल मेंटोर है रूहानी मुआलिज है वो अकॉर्डिंग टू दैट डिज़ीज़ वो अल्लाह पाक का कोई नाम पढ़ने के लिए देता है कोई कुरान हकीम की आय देता है कोई हुजूर का इर्शाद मुबारक देता है कोई दुआ देता है कोई ज़िक्र तस्वी देता है तो उसके नतीजे में वो रूहानी बीमारी ख़त्म हो जाती है और इंसान जो है उसकी लिए आसानी पैदा हो जाती है और उसकी रूहानी सेहत बढ़ना शुरू हो जाती है और जब रूहानी सेहत बढ़ती है तो फिर जो है वो इंसान एक जुलमत से नूर की तरफ तारीकी से रोशनी की तरफ जहालत से इलम की तरफ बदबख्ती से खुशब्ती की तरफ शिकावत से सदत की तरफ और जहनम से जन्नत की तरफ अपना सफ़र शुरू कर देता है मैं दुआ करता हूँ अल्लाह तब को आसानियाँ अता फरमाए खैर वरकत अता फरमाए तो जो भी प्रॉब्लम हो वो आप इन बक्स में पूछें कोशिश होगी कि उसी दिन नहीं तो दूसरे तीसरे दिन जो है वो आपको इस सिलसिले में और आप अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें किस इस तस्वीर से और मुझे पर्सनली तो लोग बताते हैं कि इससे ये फ़ायदा हुआ है और इसका मकसद सिर्फ़ अल्लाह की रज़ा है इसका मकसद और कोई नहीं है कि लोगों को नफ़ा पहुँचे और लोग जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जिसमानी बीमारी के साथ साथ रूहानी बीमारी से भी महफूज़ हो सकें अल्लाह तला आपको और आपके ख़ानदान को ज़मीनी और आसमानी आफात बलियात से महफूज़ फरमाए السلام عليكم ورحمه الله وبركاته